पुराणों के अनुसार एक बार की बात है, जब शिलाद मुनि ने ब्रह्मचर्य के पालन करने का निर्णय लिया था, जिसके कारण उनके वंश को समाप्त होता देख उनके पितरों ने अपनी चिंता उनसे व्यक्त की। शिलाद निरंतर तपस्या में व्यस्त होने के कारण गृहस्थी नहीं अपनाना चाहते थे, अतः उन्होंने संतान की कामना हेतु इंद्रदेव को तप करके प्रसन्न किया और जन्म एवं मृत्यु से हीन पुत्र का वरदान मांगा। ये सुनकर इंद्रदेव ने असमर्थता प्रकट की और कहा कि तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। तब शिलाद ने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और मृत्युहीन और दिव्य पुत्र की मांग की। शिलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने स्वयं पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। कुछ समय बाद जब शिलाद मुनि खेत में हल चला रहे थे, तब उन्हें एक बालक मिला जिसका नाम उन्होंने नंदी रखा। जब नंदी बड़ा हुआ तो एक दिन शिवजी ने मित्र और वरुण नाम के दो मुनियों को शिलाद के आश्रम में भेजा, जिन्होंने नंदी को देखकर ये भविष्यवाणी की कि नंदी अल्पायु है। जब नंदी को यह ज्ञात हुआ, वह महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वन में चला गया। फिर नंदी ने वन में शिवजी की कड़ी तपस्या शुरू की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और वरदान देते हुए कहा कि वत्स नंदी, तुम मृत्यु के भय से मुक्त, अजर अमर और आदुखी हो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें जन्म मृत्यु किसी से भी भय नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर ने नंदी का अभिषेक करवाया, जिससे नंदी नंदीश्वर हो गए और उनका विवाह मरुतों की पुत्री सुयशा के साथ हुआ, जिसके बाद से नंदी भगवान शंकर के वाहन बने। तब शिवजी ने ये कहा कि जहां जहां नंदी का निवास होगा वहां उनका भी निवास होगा। तभी से हर शिव मंदिर में शिवजी के सामने नंदी की स्थापना की जाती है। नंदी का स्वरूप पुरुषार्थ और परिश्रम का प्रतीक है और नंदी का एक संदेश ये भी है कि जिस तरह वह भगवान शिव के वाहन है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर आत्मा का वाहन है। जैसे नंदी की दृष्टि शिव की ओर होती है, उसी तरह हमारी दृष्टि भी आत्मा की ओर होनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपने दोषों को परखना चाहिए और मन में हमेशा दूसरों के लिए अच्छी भावना रखनी चाहिए। यह हमें इस बात का संकेत देता है कि शरीर का ध्यान आत्मा की ओर होने पर ही व्यक्ति का चरित्र, आचरण और व्यवहार पवित्र हो सकता है, जिससे शरीर स्वस्थ होता है और मन शांत स्थिर होने के साथ दृढ़ संकल्प से भरा होता है। नंदी का ये स्वरूप मनुष्य चेतना को प्रगति के पथ पर ले जाने में सहायता प्रदान करता है।